हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्पाइसी गुआभा सैलेड मसाला, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ में गुआभा लिया है। तो इसे कट करने से पहले मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 पीस ग्रीन चिली लूँगी, उसे कट करके अच्छी तरह से कूट लेना है हमें। अगर आपको और भी स्पाइसी खाने का मन हो तो और ग्रीन चिली उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन चिली कूट कर तैयार हो चुकी है, अब इसे हम साइड में कर लेते हैं। अब गुआभा को हम कट कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप गुआभा के पीसेस को बड़ा रखना चाहते हैं या थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं या फिर मीडियम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं इसे मीडियम कट करूँगी। तो सारे गुआभा हमारे कट हो चुके हैं, अब इसे मैं साइड कर लूँगी और एक बाउल में ऐड करूँगी, क्योंकि अब इसे हमें बहुत ही चटपटा और तीखा सैलेड तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हरे धनिये की चटनी ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, बस हरे धनिये के पत्ते को पीस लिया है। उसके बाद जो हमने ग्रीन चिली को कूटा है उसे ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को बहुत ही स्पाइसी सैलेड खाने का मन हो तो इस तरीके से सैलेड बनाकर खाएं गुआभा का। अब इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आप लोगों को पसंद ना आए काली मिर्च तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अनुसार ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। आप ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ ब्लैक सॉल्ट ही मिक्स किया है। अब इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूंगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको जिस तरीके से मिक्स करने में आसानी होती है आप उस तरीके से मिक्स कर सकते हैं, चम्मच के द्वारा या फिर जैसे मैं अभी कर रही हूँ उस टाइप से भी आप कर सकते हैं मिक्स। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, पर सर्व करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी। तो फाइनली गुआभा सैलेड बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब थोड़ी सी इसके ऊपर मैं धनिया का जो चटनी तैयार किया हुआ था उसे डाल लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।